क्वेश्चन नंबर फोर, फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ए फ्यू एलिमेंट्स डेसिग्नेटेड बाय रोमन न्यूमेरल्स 1, 2, 3, 4 आर इवन जीरो, व्हिच ऑफ दीज वुड बी एन सप्लीमेंटर क्वेश्चन हमें पहचानना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट में रहेगा, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में अट्रैक्शन मिनिमम रहेगा, अट्रैक्शन मिनिमम है इसलिए इसको हम लोएस्ट मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और हमें इस एटम से जो कि न्यूट्रल रहता गैसियस स्टेट रहता उसमें से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है, कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी किसका कंसीडर करना है, अल्कली मेटल्स का। अल्कली मेटल पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में रखे गए हैं, फर्स्ट ए ग्रुप में है अल्कली मेटल्स, ठीक फर्स्ट के ग्रुप में रखे हैं इसलिए एक का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा रहेगा, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में। अब आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक साइज व्हाट इज द रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए अल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम रहेगा, लोएस्ट रहेगा, ये पहला की पॉइंट आप याद रखोगे। दूसरा की पॉइंट कौन सा है, देखिए एक सॉन्ग का हम लेते हैं अल्कली मेटल का सोडियम, व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन, नियॉन 3s1। अब यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, जो भी एनर्जी लगेगी Ie1 उसे कहना है। कितनी एनर्जी लगेगी इस नियॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो आपसे पता ही है नियॉन इज एन इनर्ट गैस है, मतलब इसका कॉन्फिगरेशन मोस्ट स्टेबल, सिंस कॉन्फिगरेशन इज मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए खूब ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। मतलब क्या होगा, यहां जो Ie2 रहेगा मच ग्रेटर दैन Ie1, Ie2 और Ie1 इन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा वो खूब ज्यादा रहेगा इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स। अब देखो इससे मिलता जो ऑप्शन कहीं है क्या, ऑप्शन ए में 2372525 डिफरेंस जो मिल रहा है तकरीबन 3000 के मौजूद का मिल रहा है, बी में देखिए 5207300 जो डिफरेंस मिल रहा है दैट इज ऑफ 6800 यूजुअल अप्रोक्सीमेटली जो कि सबसे ज्यादा है, यहां काफी कम है, यहां काफी कम है, मतलब आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following orders of energies of molecular orbitals of N2 is correct, 4 options are given here। अब इस question का answer obtain करने के लिए हमें molecular orbital energy level diagram पता होना जरूरी है, अच्छे से आप याद रखोगे। देखिए हम कैसे बनाएंगे इस diagram को, यह रहेगा atomic orbital, यहां रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो समझो ये 1s ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए, तो ये बनेगा सिग्मा 1s, ये रहेगा सिग्मा एस्टरिस 1s, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहना, ये एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा, इसकी एनर्जी लो रहेगी, इसकी एनर्जी हाई रहेगी, जनरली दिस पार्टिसिपेट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड नहीं बनाता,
तो जब 1s ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे ऑफ दिस टू एटम्स, हमें दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो रहेगा 2s, जब 2s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो यहां पे भी बनेगा दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग एंड एंटीबॉन्डिंग। ठीक है, इस डायग्राम को आप इसी प्रकार से याद रखना है, एक डायग्राम भी आप याद रखते हो तो भी आपको इजीली कई सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल सकते हैं। कौन कौन सा आंसर मिल सकते हैं लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं। अगर हम 2p देखेंगे, यहां 2p में देखिए p सबसे कंटेंस 3 ऑर्बिटल्स, 2p x 2p y 2p z 2p x 2p y 2p z हो गया। ये तीन ऑर्बिटल इन तीन ऑर्बिटल के साथ जोड़ेंगे ओवरलैप होंगे तो 6 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और यहां 6 ऑर्बिटल्स कौन से रहेंगे, ये रहेगा पाई 2px। हम जो डायग्राम बता रहे हैं दैट इज फॉर टाइप 2, याद रखना। तो पाई 2px पाई 2py देन यहां रहेगा सिग्मा 2pz then here is pi asterisk 2px pi asterisk 2py sigma asterisk 2pz। इस प्रकार से देखिए how many molecular orbitals are formed, total 6 molecular orbitals are formed, 3 bonding 3 antibonding। ठीक है, अब ये जो energy level आपको दिखेगा वो कौन कौन से केसेस में रहेगा, फॉर यहां यहां लिखते हैं फॉर बी टू सी टू एंड एन टू मॉलिक्यूल्स। एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस रहेगा, देखिए पाई टू पी एक्स इक्वल्स, इन दोनों की एनर्जी इक्वल रहती है, इक्वल्स पाई टू पी वाई लेस दैन सिग्मा 2pz। जैसे हम इधर से इधर जाएंगे एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती है, तो सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो अब देखिए जरा चार्ट से कौन सा आंसर रहेगा, पाई 2py। हाँ, पाई 2px इक्वल पाई 2py, कहां है पाई 2px इक्वल पाई 2py। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के हमें लिखना पड़ेगा, तो देखो जरा N2 के लिए ये जो पहला शेल होता है उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट होते हैं, हमें पता है केमिकल बॉन्ड वही बनाते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में रहते हैं। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन याद करो, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3 इस प्रकार से रहेगा। यहां दो इलेक्ट्रॉन, यहां दो इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, इन चार का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से रहेगा। देन p में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, 1 2 3 है ना, तो यहां पे रहेगा 1 2 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से रहेगा, 2 2 2 हो गया। अब देखिए हमें एनर्जी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वो डिसाइड करनी है, तो सबसे कम इसकी दिख रही है पाई 2py, देखिए पाई 2py सबसे कम है, उसके बाद सिग्मा 2pz ये देखिए, उसके बाद पाई एस्टरिस्क 2px इक्वल्स पाई एस्टरिस्क 2py। ठीक है, मतलब आप देखिए जरा जो आंसर मिलेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए। इस प्रकार से समझ में आया, तो यहां देखिए पाई 2py इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, पाई 2py लेस देन सिग्मा 2pz, ये रहेगा लेस देन पाई एस्टेरिस्क 2px इक्वल्स पाई एस्टेरिस्क 2py। और यहां पे लिखा समय जो लिखा था अभी वो भी लिखते हैं, पाई 2px इक्वल्स दोनों का इक्वल रहता, तो ये ऑर्डर कहां मिल रहा है, ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, अब देखिए दिस इज द सीक्वेंस ऑफ
order of molecular orbitals for these free molecules. ठीक है, what about the order of molecular orbitals in case of other compounds like hydrogen, helium, then lithium, then beryllium, then oxygen, then fluorine, then neon, order क्या है बेटा? तो यहाँ जो है वो चेंज आ जाएगा, सिग्मा टू के जेड की एनर्जी कम होगी, लेस देन पाई टू पी एक्स इक्वल्स पाई टू पी वाई, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, बाकी पूरे ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम रहेगी। ये थोड़ा सा चीज आपको याद रखना है, बिल्कुल सेम टू एन टू के लिए क्या होगा, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई की एनर्जी कम रहती है, एंड फॉर रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई की एनर्जी ज्यादा रहती देन सिग्मा टू पी जेड। तो ये जो चेंज है ये इतना चेंज आपको अच्छे से याद रखना है इन दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल्स में। अब इस एनर्जी लेवल डायग्राम से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, तो हमें बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर हम डिसाइड कर सकते हैं, इनकी स्टेबिलिटी हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहेगा टू रिमेंबर दिस एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, लैटिस एनर्जी ऑफ पैनेसिल इज 788 किलो जूल पर मोल, दिस मींस दैट 788 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब देखिए फोर ऑप्शंस आर गिवन हियर, सबसे पहले यहां लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन पता होना चाहिए है, दो डेफिनेशन है लैटिस एनर्जी की, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बिलोंग्स टू केमिकल बॉन्डिंग, NaCl सॉल्वेंट लेंगे कितना 1 मोल, इसमें हमें पता है कि NaCl इज एन आयनिक सॉलिड क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ आयंस पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, एक मोल NaCl सॉलिड लिया, इसे हमें ब्रेक करना है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, कंस्टिट्यूएंट आयंस कौन से रहेंगे, Na पॉजिटिव गैसियस प्लस Cl नेगेटिव गैसियस। ठीक है, ये भी बनेगा 1 मोल, ये आल्सो दिस विल आल्सो 1 मोल। तो देखिए एक मोल आयनिक सॉलिड को उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी लगती उसे कहना लैटिस एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट और टू ब्रेक वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस इज नोन एज लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। अब ऐसा ऑप्शन कहीं हमें दिख रहा है क्या, देखो जरा, तो सेपरेट वन मोल ऑफ NaCl सॉलिड इनटू वन मोल ऑफ सोडियम गैस एंड वन मोल ऑफ Cl गैस। अब यहां लिखा है कि ये एटम्स हैं, दोनों एटम्स बनेंगे लेकिन आयनिक सॉलिड में एटम्स कभी फॉर्म नहीं होते, इसलिए आप ऑप्शन ए आंसर नहीं रहेगा, ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं, तो सेपरेट वन मोल ऑफ सॉलिड NaCl इनटू वन मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड वन मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, मतलब यहां आयंस बने हैं। ठीक है, सॉलिड NaCl 1 मोल लिया, 1 मोल Na पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव आयंस बने, मतलब ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, अब लैटिस एनर्जी का दूसरा भी डेफिनेशन बता देता आपको। देखिए जैसे NaCl आयंस में ब्रेकअप होता है वैसे ये आयंस जोड़ के आयनिक सॉलिड भी बनता है। ठीक, जब ये आयंस एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो उनमें अट्रैक्शन डेवलप होता है जिसके कारण एनर्जी रिलीज होती है, तो ये जो भी एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज आल्सो नोन एज लैटिस एनर्जी। दूसरा डेफिनेशन याद रखोगे, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज नोन एज लैटिस एनर्जी। डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, जो मेन फैक्टर से पहला है चार्ज ऑन आयंस, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा आयंस पे उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रहेगी। डिस्टेंस बिटवीन
आयंस। जितना कम डिस्टेंस रहेगा बिटवीन द आयंस उतना ज्यादा लैटिस एंथैल्पी रहेगा। तो ये दो मेन फैक्टर्स रहेंगे विच अफेक्ट द लैटिस एंथैल्पी। आंसर था ऑप्शन बी। हमें पता चला